बाबू दोनों छोरियां ने नहरे करने लाग रहा था। राजी राजी तकरीबन सारी चीज मट गई थी और आखिरी में एक छोटे से प्लाट के ऊपर दोनों एक दूसरे से लड़न लाग गए। रतिराम ने बहुत समझाए पर माने ही नहीं, मरण मारण पर उतारू हो रहे। तो कहने लगा रहे छोरो कि मैं तो शर्म करो और या तो शुक्र करो जो खजाना मेरे दौरे से उस पर तो भाई तुम बेरा ने के करोगे। दोनों के कान खड़े हो गए के बाबू अरे मेरे तो एक ईसा खजाना से मैं सोच रहा था वो तुमने आखिरी में दूंगा पर थारे तो भाई लखन भूत गणे खराब से इस छोटी सी चीज पर तुम लड़न लाग गए। खजाने पर तो बेरा ने तुम के करोगे। नहीं बाबू कुछ नहीं करा, हम राजी राजी बांट लेंगे पर भाई मेरी दो शर्त से उस खजाने ताई ना तुमने मेरे साथ बस में चलना पड़ेगा। ठीक है बाबू चाल पड़ेंगे और जब तक हम गांव में नहीं पहुंच जा कौन सा भी कुछ नहीं बोलेगा। खजाने के लोभ में दोनों छोरे बाबू के साथ गांव में जानता ही तैयार हो गए, वह भी बस में। जा खड़े हुए अड्डे पे पहली बस आई रतिराम ना चढ़या, दूसरी आई उसमें ना चढ़या, तीसरी में जो खचाखच भरी थी ना उसमें चढ़ गया। ये छोरा था शर्त लगा रखी अगर बोलना नहीं से। दोनों छोरे और बाबू बस के में चढ़ गए, एक सीट खाली थी, बाबू बैठ गया उसमें, दोनों साइड में खड़े। लंबा सफर था, थोड़ी देर में बाबू खड़ा हो गया और छोटे छोरे ताई कहा तू अड़े बैठ जा। जवाब तलबी तो करनी ना थी, चुपचाप बैठ गया। थोड़ी दूर चले थे इतनी हण में उस ताई कहा तू खड़ा हो और फिर बड़ा छोरा उस पर बैठा दिया। करते करते सफर पूरा हो गया, उतर के और गांव की राई राई हो लिया। गाड़ में जाके और अपनी पुश्तैनी बहन हवेली के आगे जाके खड़ा होकर रोन लाग गया। छोरे का समझ में ना हो बाबू क्यों रो है, कहने लगे यार या वह हवेली से जो थारे दादा ने बनाई थी और जब हम दोनों भाई इस हवेली पर लड़े ना उसका बहुत जी दुख पाया था और मन रोड़ा रोड़ा करा करके और यह हवेली ले ली थी। हवेली तो मैंने उसे दिन मिल गई थी पर भाई खो दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़का के साथ भी ऐसा हो। तुमने देखा भी था राम है, अरे बस की जिस सीट पे तुम बैठे थे वह थारी होगी, अरे उस पर कोई और बैठा से भाई। या दुनियादारी बड़ी अजीब से, यहां लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई साथ ना ले जाता, बस की सीट ना कोई तार के ना ले गया, पता नहीं कौन कौन उस पर बैठे थे। और जिन पलाटा पर तुम मरण मारण तैयार हो रहे ना, या जमीन पहले बिरा ना किसकी थी और तड़के किसकी होगी। भाई यो एक खजाना सा मेरे दौरे तो मैं ये समझाना चाहूँ, अरे यो प्रेम प्यार फिर नहीं आवेगा। हो सके तुमने जमीन का टुकड़ा मिल जा, हो सके अगली बार जाते आने बस में अपने दोनों ने सीट मिल जा, पर उतरना तो फिर भी पड़ेगा। ये जमीन जायदाद के बंटवारे बहुत सारे घर का नाश कर दें। रतिराम ने अपने बालक समझा दिए कि भाई जिस तरह मन ने हवेली पा के भाई खो दिया था ना, मैं नहीं चाहता प्लाट के चक्कर में तुम अपना प्रेम प्यार खो दो। दोनों छोरे भीत बोलें तो वह बोलें नतमस्तक हो गए और चुपचाप जो बाबू ने दिया वो ले लिया। कितनी बड़ी सीख इस छोटे से वाक्य में है कि इस दुनियादारी से कोई कुछ नहीं लेके जाता, कोई तो कितना प्रेम प्यार से रहता है और कोई लड़ लड़ के कट कट के। और आजकल तो रिश्तों का सत्यानाश हो रहा है, हो सके तो रिश्तों को बचाए रखो, यही तो इंसानियत का धर्म है।